सामने गले लगाया था, उस तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को लगाया। सपा बसपा एक थी 2019 में, ये निषाद खड़े हो गए तो जैसे रावण राज खत्म हुआ वैसे सब खत्म हो गए, मोदी जी आए फिर से देखो। 2022 में नहीं 2023 में तीन चुनाव मैंने जिताया है, 2024 में 330 पार एनडीए की सरकार होगी, 39 पार्टियों की बैठक में एक निषाद राज की पार्टी भी उसमें शामिल थी। अगर निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित है, निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति लग गई है, भगवान राम की निषाद राज की गले लगी, माननीय मोदी जी आ रहे उस उद्घाटन में 20 करोड़ 38 लाख देकर जिस तरीके राम मंदिर बन रहा उसे निषाद राज का किला बनेगा, तो आज के दिन में हमारे लिए सौभाग्य है। राजभर जी को आप कैसे देखते हैं? वो भैया हमारे हैं, भैया हमारे हैं, नेता हैं, उनके समुदाय की भी समस्या हमारे समुदाय जैसे है, दोनों मिलकर हम लोग लड़ेंगे। आगे राजनीति सिखाए हैं बोलते हैं, अरे जो भी है वो भैया जो भी कुछ कह सकते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आत्म बाल सखा निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज हैं। यादव कह रहे हैं कि सनातन के बारे में बीजेपी को पता ही नहीं है, हम कहते हैं ठीक है जिनको पता है वही कम से कम एक स्कूल खोलें, कम से कम सनातन धर्म के बारे में। ऐसे दो चार तो भर्ती जब जब सपा पर कांग्रेस सवार हुई है, 2017 में सपा पर कांग्रेस सवार हुई, 100 सीट लिया, कांग्रेस सपा समाप्त हो गई, फिर 2024 में कांग्रेस सवार होने जा रही समाजवादी पार्टी पर, देखो कहाँ होने हैं। क्योंकि जब भी कांग्रेस जब आती है तो लोग जो कहते हैं उनके राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 भेजते हैं गरीबों का पिछड़ों का दलितों का अल्पसंख्यकों का, तो 85 खा जाते हैं कांग्रेसी जो है, तो 85% लोग हैं वो कांग्रेस को खाने वाला मानते हैं कि हमारा हिस्सा खाने वाले हैं, ऐसे लोगों को मत दो। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कहते हैं हम हालांकि प्रधानमंत्री को रिमोट से संबोधित करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि अगर रिमोट से हम दबाते तो बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, लेकिन अगर मोदी यही दबाते हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, क्या मानते हैं? मैं कहता हूँ कि जहाँ उनकी सरकार है कांग्रेस की वहाँ रिमोट दबा के पहले दे दें, ऑटोमेटिकली उदाहरण से सब कुछ हो जाएगा, कम से कम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगल में सरकार है इतने साल से, वहाँ रिमोट दबा के क्यों नहीं रोज़गार दे दिया? आज के दिन में रोज़गार दिया होता तो कोरोना ने हमारे लोग कैसे रोड पर आए थे, मैंने बम्बई से पैदल चल के गुजरात से पैदल चल के, इसके मतलब इन लोगों ने हमारे लोगों के साथ धोखा किया था। प्रधानमंत्री हम बनाते थे कांग्रेस का और ये लोग बेरोजगारी बढ़ाते थे, आज हमारे समय में गरीबी घटी है इसलिए हम गारंटी करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि 9 सालों का बीजेपी का विकास रहा है, लेकिन फिर भी वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम कहते हैं कि कांग्रेस के समय हम इस देश में जो कमीशन होता है और जो जो विभाग कहता है वो करता है, हमारे सरकार में लोकसभा विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका मीडिया अपना अपना स्वतंत्र काम कर रही है, पिछली सरकारों में लोग संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है, बस अंतर इतना है और काम करके दिखा रही, जनता जनार्दन है, जनता के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जनता इसलिए हमारे साथ है।